Hello and welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is articles. And as you can see that there are two type of articles, and on the screen you can see the articles are a and the. So in this video we are going to discuss the basic rules of using a and the, and where you have to use these articles and where you should not. We will discuss all the basic rules, and we will find out that after this class and after this video your all doubts related to these articles will be clear. And I hope you will like the video, so watch the video till end and try to understand the concept, and share, comment and like and subscribe my channel if you like the video. So let's get started. So as you can see on the screen that the articles can be divided into two parts, that is indefinite and definite articles. So articles को हम दो parts में divide करते हैं, एक है indefinite, एक है definite. Indefinite means the अनिश्चितता and definite means निश्चित. तो कोई भी आपकी जब चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर में, जब वो जनरल थिंग होती है या जब वो कॉमन चीज़ें यूज होती हैं, तो उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. एंड जब हम किसी भी स्पेसिफिक थिंग या जब हम किसी भी इंडिविजुअल थिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. सो इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे दो आर्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ ए और एन. और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा एक ही आर्टिकल होता है, दैट इज़ द. और द की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम उसका प्रोनंसिएशन है कि कहाँ पे उसको द बोलते हैं, कहाँ उसको दी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द आर्टिकल्स. सो नाउ द नेक्स्ट यू कैन सी दैट हाउ यू कैन यूज़ दीज आर्टिकल्स. So there are two parts of alphabet, that is vowels and consonants. So there are five vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. And ये जो vowels होते हैं इनके साथ हम हमेशा n article का use करते हैं. And जो आपके consonant होते हैं, जो कि consonant आपके होते हैं B, C, D, F, G, H and so on, मतलब A, E, I, O को छोड़कर जो आपके बाकी के alphabet होते हैं उनको हम consonant कहते हैं. एंड कॉन्सोनेंट में भी जो आपका साउंड जो रिप्रेजेंट करते हैं ए ई आई ओ यू का, उनके साथ भी हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. और बाकी के जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू के साउंड को छोड़कर, उनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. तो चलिए आगे इसको आगे और अच्छे से समझते हैं इनको. तो हम ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो नाउन आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे अ बैग, अ कैट, उनके साथ हम अ का यूज़ करते हैं. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कि जो आपका वॉवल है यू, अगर उसका साउंड वाई के साउंड में आ रहा है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे अ का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल. सेकेंड है आपका एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जितने भी आपके वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, कि जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है विच इज़ साइलेंट, जैसे कि एन आवर, एन ऑनर, तो यहाँ पे एच जो है वो आपका साइलेंट है, इसीलिए हम उसके साथ में हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. और द का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक आइटम्स के लिए. ठीक है, आगे आपके स्क्रीन पर देखते हैं हम कि ए एन द का यूज़ कहाँ पर करते हैं. Used for objects that are not specific or one or several things of a similar type. जब एक ही common चीज़ की हम बात करते हैं वहाँ पर हम a और n का use करते हैं. जैसे I need a phone, तो यहाँ पर जितने भी phone की बात हो रही है, जितने भी phone आपके market में available होंगे, हम उन सभी phones की बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इज़ आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हम एक मूवी की बात कर रहे हैं जो हमने पिछली रात को देखी थी. यहाँ पे हम उसको इंडिविजुअल नहीं बता रहे हैं कि कौन सी मूवी के बारे में हमने बात की है, तो वहाँ पे भी हम अ का यूज़ करेंगे. दे बॉट अ कंप्यूटर, तो अ यहाँ पे हम एज अ नंबर, ठीक है, सिनोनिम, जैसे कि वन का जो सिनोनिम होता है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. शी इज़ अ सिंगर, तो यहाँ पर भी जो उसका ग्रुप है उस ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम अ का यूज़ करते हैं. द का यूज़ कैसे करते हैं, अब आगे वाली स्लाइड में हम को अच्छे से समझते हैं कि दिस इज़ एन एप्पल, नॉट स्पेसिफिक, सो वी यूज़ अ. यहाँ पे किस एप्पल की बात हो रही है वो स्पेसिफिक नहीं किया गया है, दैट्स वाई हमने उसके साथ में क्या यूज़ किया है, एन यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे एप्पल जो है वो एक वॉवल साउंड है. दिस इज़ द एप्पल विच फैल ऑन न्यूटन, अब यहाँ पे बात हो रही है कि दिस इज़ द एप्पल विच फैल ऑन न्यूटन, ये वही सेब है जो न्यूटन के ऊपर गिरा था. नाउ वी आर स्पेसिफाइंग दैट एप्पल, हम उस एप्पल को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वही एप्पल था जो न्यूटन के ऊपर गिरा था. तो इस केस में जब हम
चीज़ों को उनको इंडिविजुअलिटी देते हैं, हम उनको स्पेसिफाई कर देते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो चीज़ें को समझिए कि जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे कोई भी हम डॉक्टर की बात कर सकते हैं, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इसलिए हमने ही इज़ अ डॉक्टर का यूज़ किया है। एंड वाई वी आर यूजिंग अ, बिकॉज डी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ विद डॉक्टर। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया, ठीक है। हम उस डॉक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वही डॉक्टर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया था। तो वेन एवर वी आर स्पेसिफाइंग द थिंग्स, हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जब हम चीज़ों को जनरल में बोलते हैं तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। नाउ द रूल्स आर कि कहाँ पर आपको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। सो द फर्स्ट इज टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जब हम जनरल चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मिल्क इज़ गुड फॉर यू, तो मिल्क के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हम स्पोर्ट्स और गेम्स की बात करते हैं तभी भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल इज़ अ गेम, हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़, हम कंट्रीज़ के नेम के साथ भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एंड जब भी बात हो किसी भी मील्स की, तो मील्स के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एंड जब भी नाउन में आपका नंबर यूज होगा तो वहां पे भी हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। सो दिस वाज योर वीडियो अबाउट द आर्टिकल। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो यू कैन राइट डाउन योर कमेंट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी देयर, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।